मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 10 चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। आज अपन मैथ्स का 10 चैप्टर पढ़ेंगे, 10 चैप्टर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10C। ओके, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट्स इनटू मिनट्स। आपको कुछ नंबर दिए हैं हावर्स में, इनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे, देखो सबसे पहले लिखा है 7 hour। अपन जानते हैं कि 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60 minutes होते हैं। कितने होते हैं, 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes। एक घंटे में 60 minutes होते हैं। अपन क्या करेंगे, इसको हावर, इस हावर को मिनट में बदलने के लिए 7 का मल्टीप्लाई 60 में कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 7 का 6 से मल्टीप्लाई किया 42 और 0 का 0 लिख दिया, ठीक है। तो आ गया 420 minutes, मतलब कि 7 घंटे में 420 minutes होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट करना है, 12 hour लिखा है। अपन जानते हैं 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60 minutes होते हैं। 1 hour अकेले, 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes। तो क्या करेंगे, 12 में 60 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 6 कितने होते हैं, 72 और एक जीरो, तो एक जीरो का एक जीरो लगा दिया अपन ने, तो कितने होगा 720 minutes। मतलब कि 12 hour में कितने मिनट होंगे, 720 minutes होंगे। ऐसे इसमें करना है 18 hour, तो 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes। 18 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, 60 में, तो 18 6 = 106 और 10 का 10 तो 1080 minutes। मतलब कि 18 घंटे 1080 minutes होंगे। ऐसी इसमें करना है, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें क्या है, ये आपको मिक्सड फ्रैक्शन दिया है, इसको अपन पहले सही कर लेंगे। 5 2 = 10 और 1 = 11, तो 11/2 hours। अपन जानते हैं 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes, तो 11/2 × 60। इसमें क्या करेंगे, अपन 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 से जो कट गया 30 times, 2 से इसमें अपन डिवाइड दिया तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब अपन 11 को 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 330 minutes। मतलब कि 5 whole 1/2 hours में 5 घंटे, 5.5 घंटे में 330 minutes होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद ये देखो 3 hour 45 minutes, इसको अपन को मिनट में बदलना है। तो 3 hour + 45 minutes, अपन जानते हैं 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes होते हैं, तो 3 × 60 करेंगे और 45 प्लस करेंगे उसमें। क्यों करेंगे प्लस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मिनट्स में दिया है, तो इसको अपन चेंज नहीं करेंगे। चेंज क्यों करेंगे, सिर्फ इसको चेंज करेंगे, सिर्फ 3 और 60 3 को चेंज करेंगे। 3 में क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई 3 6 = 18 लिख देंगे, 0 का 0 लगा देंगे, 180 में 45 प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा 225। मतलब कि 3 hour 45 minutes में कितने मिनट्स होंगे, टोटल 225 minutes होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 7 hour 15 minutes दिया है, तो क्या करेंगे, 7 hour + 15 minutes करेंगे। प्लस क्यों करेंगे इसमें 15, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मिनट मैंने, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। अपन जानते हैं कि 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes होते हैं, तो अपन 7 में क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 60 minutes। तो 7 का 60 मल्टीप्लाई कितना, 42, 0 का 0 प्लस 15 minutes, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, अपन से प्लस कर देंगे, 420 में 15 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 435 minutes। कुछ नहीं करना, ये सी के सी लिख देंगे, इसको सिर्फ इसमें प्लस करेंगे, इसको चेंज अपन कर लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 60 में कर देंगे। ऐसे ये वाला क्वेश्चन करना है, ऐसे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू हावर एंड मिनट्स। ये बोल रहा है कुछ आपको जो मिनट्स दिए इनको आपको हावर में भी कन्वर्ट करना है और मिनट में भी कन्वर्ट करना है। तो करेंगे, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखा है 120 minutes। अपन जानते हैं कि 1 minute में कितने घंटे होते हैं, वो सॉरी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 minutes होते हैं 60 minutes। इसे अपन उल्टा करेंगे, इसमें अपन ने क्या किया था, मल्टीप्लाई, इसमें अपन करेंगे डिवाइड। तो मिनट इज इक्वल टू 1/60 hour। क्या करेंगे अपन, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो करेंगे डिवाइड 120/60, क्या करेंगे 1/20 में 60 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 इसको काटेंगे, 6 2 = 12, तो आंसर आ गया 2 hour। मतलब कि 120 minutes मतलब कि 2 hour, कितने आवर होंगे, 2 hour करेंगे। क्या लिखा है, 220 minutes। 220 minutes को अपन किस में बदलेंगे, हावर में बदलेंगे। तो अपन इसमें क्या करेंगे, 220 में 60 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अपन जान देंगे 1 hour में 60 minutes होते हैं, इसमें अपन ने मल्टीप्लाई किया था, इसमें अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 220/60, अपन इसमें इसका डिवाइड देंगे, तो अपन इसको इसको मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। कौन से फ्रैक्शन में, मिक्सड फ्रैक्शन में। अपन डिवाइड देते हैं, जो अपना क्वेश्चन आता है वो अपन कहाँ उतारते हैं, साइड में। रिमाइंडर बचता है वो कहाँ उतारते हैं, ऊपर। और जो नीचे लिखा होता है उसको ऐसी कैसी लिख देते हैं। तो आ गया 3 whole 40/60 hour। अब क्या करेंगे, 3 को अपन हावर मान लेंगे, 3 hour + 40/60 hour। अलग अलग कर लिया, 3 को लिख लिया 3 hour प्लस लगा के 40/60 hour अलग लिख लिया, ठीक है। फिर क्या लिखा, 3 hour + 40/60, ये वाला 40/60 मल्टीप्लाई 60, कौन सा 60, ये जिसमें अपन जो मिनट होते हैं, 60 minutes होते हैं ना, तो उससे अपन 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे जी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया, बचा क्या अपना 3 hour + 40 minutes। मतलब कि 3 hour 40 minutes, 220 minutes में कितने घंटे होंगे, 3 hour होंगे और 40 minutes होंगे, ओके।
ऐसे ही करना अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन 315 मिनट्स लिखा है, वही करें 3/315 में अपन 16 का क्या देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे, डिवाइड दिया तो आया 5/15/16। ठीक है, 55 क्या है जो क्वेश्चन आता है वो, और 15 क्या है रिमाइंडर, तो 5/15/60 हावर, इसको भी अपन अलग अलग कर लेंगे, 5 आवर लिख लेंगे और 15/60 हावर अलग लिख लेंगे। तो करेंगे 5 आवर प्लस 15/60 मल्टीप्लाई 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं इसलिए मल्टीप्लाई इसका इसमें अपन करेंगे, तो जो इससे कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा, ये बचा 5 आवर प्लस 15 मिनट्स, मतलब 5 आवर 15 मिनट्स, मतलब कि 315 मिनट्स में 5 घंटे और 15 मिनट होंगे। इसी में करना है 185 में पहले डिवाइड देंगी फिर आंसर आएगा। फिर देखो नेक्स्ट ये वाला, ई वाला 540 मिनट्स, कितने मिनट्स हैं 540, तो 540/60 अपन क्या कर देंगे 60 कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे अपन कैंसिल कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये टेबल से कट सकता है, बाकी जो थे वो कटते नहीं 6 की टेबल से, इसलिए अपन ने उसको होल में लिखा, मतलब कि उसको बेस्ट फ्रैक्शन में लिखा। इसमें ये कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 9 = 54 आंसर आ गया 9 आवर। 540 मिनट्स मतलब 9 आवर, मतलब 5/40 मिनट्स में कितने घंटे होंगे 9 आवर हो जाएंगे। फिर लिखा है 240 मिनट्स, अब इसको भी अपन 240 में किसका डिवाइड देंगे 60 का डिवाइड देंगे, तो 60 में 0 से 0 कैंसिल, 6 4 = 24 मतलब 4 आवर, मतलब 240 मिनट्स मतलब 4 आवर, 4 घंटे। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे, अंजलिस डेली रूटीन इज गिवन बिलो, राइट डाउन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। अंजलि का डेली रूटीन, डेली मतलब दैनिक कार्य जो हम डेली काम करते हैं वो दिया हुआ है, उसके टाइम का ड्यूरेशन बताना कि वो कितना टाइम लेती है काम करने में। जैसे कि वेक अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उठती है और गोज़ टू स्कूल, उठती है और फिर स्कूल जाने तक उसको कितना टाइम लगता है 6 o'clock, 7 o'clock, मतलब 6 बजे वो उठती है और 7 बजे स्कूल जाती है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम 1 आवर हुआ ना, 1 आवर 6 से 7 मतलब 1, तो 1 आवर लेती है वो, 1 आवर में वो तैयार हो जाती है और स्कूल चली जाती है। ईच स्कूल ईट्स लंच, अब स्कूल कितने बजे पहुंचती है 8 o'clock, 8 बजे पहुंचती है, और लंच कितने बजे करती है स्कूल का 11 o'clock, 11 बजे उसका लंच होता है, तो कितने घंटे होगा 3, कैसे 8 9 9 10 11 11 घंटे होगा, 8 बजे तो पहुंचती है तो 9 10 11 तीन घंटे हो गए। क्या करेंगे अपन 11 में से 8 को माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, 11 में से 8 माइनस करें कितना आएगा 3, ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 आवर, मतलब कि 3 घंटे उसके उसमें हो जाते हैं। फिर रीचेज होम डज होमवर्क, घर वापस आती है 2 बजे, अपना होमवर्क करती है 4 बजे, तो कितने घंटे हो गए 2 घंटे, 4 में से 2 गए कितने बचे 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 आवर, मतलब कि 2 घंटे वो इस काम के लिए लेती है। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।